Now the class is going to be recorded, and just I want to tell you ki in this class we will talk about what? In this class we will talk about that is what, that is Jacobian age. Already I have gone with Elizabethan age, the Middle Ages, and Anglo Saxon period, if you remember. So I have gone with Anglo Saxon period, the मिडिल एजेस. द मिडिल एजेस में भी मैंने तीन एजेस को लिया था, जिसमें जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, एज ऑफ चौसर, और उसके बाद आपका डार्क मिडिल एज. फिर हम लोग आए थे एज ऑफ रिवाइवल पर, आए थे जो 100 ईयर्स का टाइम मैंने लिया था, 1450 से लेकर के 1550 तक. इसमें हमने बताया कि हाउ व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू यू फाइंड इन द लाइफ ऑफ द मेन एंड वीमेन लिविंग इन दैट एज. तो बहुत सारे नाम लिए गए थे, कोलंबस का, वास्को डिगामा का, गैलीलियो का, कापरनिकस का, टेलीमेकस का, विलियम कैक्सटन का, सो मेनी नेम यू विल कम टू नो. बहुत सारे राइटर्स यूनिवर्सिटी बिट्स के थे. उसके पहले के कुछ नाम्स मैंने लिए थे, सर टॉमस यॉर्ट का, हेनरी हार्डर लवसरे का, सो मेनी राइटर्स यू विल कम टू नो. उसके बाद आई हैव गॉन विद, आई हैव गॉन विद एलिजाबेथन एज, एंड इन एलिजाबेथन एज आई टोल्ड यू इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1558 टू 1603, 1603 तक. ये जो पीरियड था इसमें मैंने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर रखा गया, और वो ईस्टवर्ड डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं. उनके समय में जो है इंग्लिश लिटरेचर का फ्लरिशिंग बहुत ज्यादा हुआ, और यह ये रिलीजियस टॉलरेंस का ये था, सोशल कंटेनमेंट का ये था, इंथुसिज्म का ये था, इंडिविजुअलिज्म का ये था, कल्ट ऑफ ब्यूटी का ये था, ह्यूमनिज्म का ये था, पैट्रियटिज्म का, तमाम वर्ड्स मैंने यूज किए थे, और ये सारे वर्ड, सारी चीजें इससे रिलेटेड जो है, वीडियोज आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच इट. एंड रिमेम्बर दैट इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में जो हमें बात करनी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उसमें है, आज की क्लास में जो हमें बात करनी है, वो इस पर बात करनी है कि there is a short period after Elizabethan age that is known, how that is known as Jacobian age. You have to remember that ki aaj ki class mein jo baat karna hai kis par, Jacobian age par, Jacobean, Jacobian age, and it covers the period from 1603 to 1625. You will come to know 22 saal ka period raha hai, aur ye 22 saal ka period 1603 se lekar 1625 tak chalta hai. Ye jo 22 साल का पीरियड जो रहा है 1603 से 1625, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट, और कोई बड़ा बदलाव आप नहीं देखेंगे. खास करके जो एलिजाबेथन एज था, एलिजाबेथन एज में जो इंग्लैंड फ्लारिश कर रहा था, सेम वैसी ही चीजें आप देखेंगे. लेकिन जितना काम एलिजाबेथन एज में हुआ, जितने बड़े बड़े राइटर्स एलिजाबेथन एज में आए, यू कांट सी हियर. ऐसा लगता था थोड़ी सी रफ्तार में ब्रेक लग गई. You find whom? You find Bacon, you find Edmund Spenser, you find William Shakespeare, you find Sir Philip Sidney. So, जहाँ पे ऐसे पर भी काम हुआ, drama पर भी काम हुआ, poetry पर भी काम हुआ, criticism पे भी काम हुआ, लेकिन आप यहाँ देखते, यहाँ पे थोड़ा सा break आपको लगता हुआ दिखाई पड़ता. यहाँ पे जो काम है चल रहा, लेकिन उतने बड़े figures, उतने बड़े literary figures you can't find in this age, जो जैकोबियन एज था. और जैकोबियन एज में दो बड़े नाम मैं लेना चाहूंगा जो राइटर के हिसाब से मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन बेन जॉनसन, जो ड्रामेटिस्ट है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को लेकर के रहा. तो यू हैव टू रिमेम्बर कि आई विल गो विद दिस राइटर आल्सो, बिकॉज इन टूडेज क्लास आई विल नॉट शेयर व्हाइट बोर्ड कि आई विल राइट डाउन समथिंग एंड यू हैव टू नोट डाउन. नो, नॉट एट ऑल. I am live here. You have to go with this point कि जिस एज को हम लोग बात कर रहे हैं, उस एज में एक बड़ा राइटर, एक वेल नोन राइटर रहा है, और उस राइटर का क्या नाम है, दैट राइटर इज बेन जॉनसन. बेन जॉनसन जो है ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, यू फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन इन द फील्ड ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. किस फील्ड में रहा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. और ये पॉइंट आपको नोट करना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेन जॉनसन. बेन जॉनसन बिलोंग्स टू व्हाट, ही बिलोंग्स टू जैकोबियन एज, एंड दिस जैकोबियन एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1603 टू 1625. जैकोबियन एज में जो राजा आए थे वो जेम्स फर्स्ट,
जेम्स फर्स्ट वॉज द किंग, और यह उसी राजवंश से बिलोंग करते हैं जिस राजवंश से क्वीन एलिजाबेथ वॉज बिलोंग, मीन्स ही आल्सो बिलोंग्स टू स्टुअर्ट डायनेस्टी, जो स्टुअर्ट राजवंश था उसी स्टुअर्ट राजवंश से ये भी बिलोंग करते हैं। सो रिमेम्बर दैट कि जब आप किसी एज को पढ़िए तो उससे रिलेटेड जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट जैकोबियन एज, किस राजा के नाम पर रहा, जेम्स फर्स्ट के नाम पर रहा, किस राजवंश से बिलोंग करते हैं, स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिससे क्वीन एलिजाबेथ बिलोंग करती है। क्वीन एलिजाबेथ की मौत के बाद इन्होंने इंग्लैंड की गद्दी को संभाला, 1603 ईस्वी में सिंहासन पर आते हैं, 1625 ईस्वी में ही नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लोग राजा के बारे में जानेंगे, बल्कि ये पढ़ रहे हैं उस राजा के समय में लिटरेचर की क्या कंडीशन थी, लिटरेचर कितना फ्लरिश होता है, लिटरेचर कितना आगे बढ़ता है, वी आर हियर टू नो अबाउट दोस पॉइंट्स। तो हम उसके बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करना है। तो जब भी आप उस एज के बारे में जानेंगे तो मैंने बताया कि जो राजा रहे जेम्स फर्स्ट रहे हैं, और जेम्स फर्स्ट को लैटिन में जैकब के नाम से एड्रेस किया। व्हाट आई वांट टू से, जेम्स फर्स्ट को लैटिन में जैकब के नाम से एड्रेस किया, जे ए COB, you can note down, you can write down. James first has been addressed as Jacob in Latin. चाहे आप जैकब नाम लीजिएगा, चाहे आप जेम्स फर्स्ट। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि यह भी एज जो था थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ रिलीजियस टॉलरेंस का एज था, सोशल कंटेंटमेंट का एज था। रिलीजन में एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था और जो मैं यहाँ आपको नोट करा देना चाहूंगा फिर से कि बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। इवन यू हैव नोटेड डाउन बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल था, जिस बाइबल को लिखने की इजाजत नहीं थी, जिस बाइबल के लिए जॉन वाइक्लिफ को जला दिया गया, जिस बाइबल के को मार्केट में लाने के लिए जॉन वाइक्लिफ से लेकर जॉन परवे, विलियम टिंडल, क्रैनमर, सो मेनी नेम्स आई कैन टेल यू, जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वही बाइबल को जो है क्या किया जाता है कि परमिशन हैज बीन गिवन बाय द साइड ऑफ द किंग एंड अ कमेटी वाज मेड बाय किंग हिमसेल्फ। इस कमेटी में इतने लोग होंगे और ये सारे लोग बाइबल का ट्रांसलेशन करेंगे और यह जो है फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता रही है जो जॉन वाइक्लिफ की जो कुर्बानी थी, जो 1384 ईस्वी में उन्हें आग के हवाले किया गया, वह कुर्बानी एक 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 आप कह सकते हैं कि बेकार नहीं गई, बल्कि वो कुर्बानी एक रियली में वास्तविकता के धरातल पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, यू कैन सी जस्ट द सैक्रिफिकेशन ऑफ जॉन वाइक्लिफ, इट यू कैन जस्ट फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ द authorized version of the Bible. I would like to repeat it, authorized, authorized, authorized version, version version of the Bible. So you will come to know कि यह जो authorized version of the Bible रहा है या पहले means उसका अपना एक एक जर्नी है कि इस रूप में आते आते वो कैसे हुआ, और यह सफलता किसके एज में मिलती है, जेम्स फर्स्ट के, और यह प्रोस के फील्ड में बड़ा काम आ गया था ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। इसके अलावा और यह घटना कब हुई, 1611 ईस्वी में। इस पर सोचिए मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन बोथ टीजीटी एंड पीजीटी कि ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल कब आया हुआ, 1611 में आया हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच किंग, किंग जेम्स फर्स्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जॉन वाइक्लिफ का रिलेशन कैसे ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल से रहा। उसके बीच में बहुत सारे नेम आपके आएंगे, जिसमें मैंने बताया विलियम टिंडल है, जॉन परवे है, यू विल कम टू नो, उसके अलावा क्रैनमर है जिनका ग्रेट बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1539 में आई थी, लेकिन राजा की तरफ से परमिशन, फ्री में उसका ट्रांसलेशन होना, प्रिंट होना, लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट होना, यह एक बड़ा काम माना जाता है, जिससे प्रोज खासकर इंग्लिश में जो हुआ
तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो प्रोज की शक्ल में बाइबल के रूप में आता है, ट्रांसलेशन के फॉर्म में आता है, एंड इट फ्लारिश, ये फ्लारिश हुआ, लोगों ने इसका वेलकम, लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। तो यह एक इम्पोर्टेंट बदलाव, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कहाँ पे देखते हैं, जैकोबियन। दूसरा एक चीज मैंने आपको बताया कि जो एज रहा है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, जो एलिजाबेथ ने, जो उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड बनाया, उसी न्यू, उसी परंपरा को, मीन्स इतना मजबूत न्यू क्वीन एलिजाबेथ रख के गई थी, और जो भी परंपरा उन्होंने डाली थी उसी परंपरा को थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो है इन्होंने भी फॉलो किया, जेम्स फर्स्ट ने फॉलो, और 1625 ईस्वी तक। बाकी तो है ही, ये पॉलिटिकल यू विल फाइंड अप्रोर, हमड्रम, ऑल दीस थिंग्स यू विल सी, ऑल दीस थिंग्स यू विल फाइंड, जो कि आगे आने वाले समय में चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे से पीरियड में जो एक तरह से आपका 21-22 साल का जो ये पीरियड है, इस 21-22 साल के पीरियड में लिटरेचर के फील्ड में क्या, लिटरेचर के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वह कौन सा बदलाव हुआ है, इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। पोइट्री के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा बदलाव इसलिए देखने को मिलता है कि एलिजाबेथन जो पोइट्री रही है, एलिजाबेथन पोइट्री का जो पैटर्न था कंपोज करने का, वह पैटर्न बिल्कुल बदल गया, और एक नई तरह की पोइट्री आती है जिसका नाम है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो यू कैन नोट डाउन कि इन जैकोबियन एज यू फाइंड अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री दैट वाज मेटाफिजिकल। यू कैन नोट डाउन द स्पेलिंग METAPHYSICAL। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल। दिस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री यू विल फाइंड। सो रिमेम्बर दैट कि इस समय आपको जो पोइट्री देखने को मिलती है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, और मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जो फादर, अगर मैं वर्ड यूज करूं, या उसके जो जो उसके शुरू करने वाले हैं, जो उसको जन्म देने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर में, द क्रेडिट गोज टू जॉन डन। आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन, द क्रेडिट गोज टू जॉन डन, JOHN, जॉन, डन, DOOON, क्रेडिट गोज टू हुम, द क्रेडिट गोज टू जॉन डन, जॉन डन को क्रेडिट जाता है। सो हाउ मच यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहा, कि एक आदमी ने पूरे उस पैटर्न को बदल दिया जो शेक्सपियर ने तैयार किया था, जो जो है एडमंड स्पेंसर ने तैयार किया, जो सर टॉमस यॉर्ट ने तैयार किया, जो सर फिलिप सिडनी ने तैयार किया, जो हेनरी गार्डनर लॉफ सरे ने तैयार किया, उस पूरे पैटर्न को ही वो आदमी बदल देते, कहते हैं कि एक नया तरीका अडॉप्ट करते। इसीलिए जो है एक स्कूल बनाया गया, स्कूल का मतलब जो होता है, जब आप ये कहते हैं कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, तो स्कूल का मतलब हो गया कि एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी और एक पार्टिकुलर पैटर्न, उस आइडियोलॉजी और उस पैटर्न से वह बिल्कुल पहले वाले से अलग है, नया स्कूल स्टेबलिश हुआ, नई विचारधारा, नई टेक्निक्स, न्यू ट्रेंड्स, न्यू मूवमेंट्स यू फाइंड इन दैट पोइट्री। दिस इज व्हाई दैट पार्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड द स्कूल, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री रफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री। ये जो स्कूल ऑफ पोइट्री, इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो रिमेम्बर दैट। वन थिंग आई वॉन्ट टू जस्ट आस्क, या वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, कि वेन यू गो विद दीज थिंग्स या दीज पॉइंट, तो क्या बदलाव आया जानना ये जरूरी है। सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि जॉन डन जो पोएट है, उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये लाया कि जो एलिजाबेथन पोइट्री जो हाईली इमोशनल थी, जो हाईली लिरिकल थी, जो हाईली म्यूजिकल थी, जो हाईली इलिटरेटिव थी, मैंने चार वर्ड यूज किया, म्यूजिकल,
लिरिकल, एलिट्रेटिव, इस तरह के जो वर्ड मैंने यूज किए कि वह इमोशनल थी, लिरिकल थी, एलिट्रेटिव थी, म्यूजिकल थी, ये चार शब्द, इन सब के साथ उन्होंने एक नया चीज जोड़ दिया। इन सब के साथ उन्होंने एक नया चीज जोड़ दिया, वह कौन सा चीज जोड़ दिया? पोइट्री में उन्होंने आर्ग्यूमेंट को जगह दिया। इट मीन्स दैट उन्होंने अपनी पोइट्री में केवल दिल की बात नहीं की, आत्मा की ही बात नहीं की, इमोशन की ही बात नहीं की, बल्कि इन सब के साथ उन्होंने पोइट्री में किसको जगह दिया? माइंड को जगह दिया। एलिजाबेथन पोइट्री वॉज हाईली इमोशनल, हाईली लिरिकल, हाईली इलिट्रेटिव, और आप ये देखेंगे कि इसका जो मतलब था कि वहां की जो पोइट्री थी उसमें सब्जेक्टिविटी थी, और सब्जेक्टिविटी के साथ साथ वहां पर क्या था, ज्यादातर जो आवाज निकली थी वह सोल से निकली थी, आत्मा से निकली थी, वह हार्ट से निकली थी, वहां माइंड का यूज नहीं था। जो भी सॉनेट आप पढ़ेंगे, चाहे आप शेक्सपियर के सॉनेट पढ़िए, वह सब इमोशनल है। उसके पहले की जिन लोगों ने भी सॉनेट लिखा और अपनी बिलव्ड को जो डेडिकेट किया, उन सब में इमोशन चलता है, रीजन कहीं नहीं चलता। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री की एक खासियत है कि मेटाफिजिकल पोएट्स ने, खासकर जॉन डन ने, अपनी पोइट्री में इमोशन के साथ साथ रीजन को जगह दिया। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि विद इमोशन ही जस्ट यूज द रीजन, या देर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड रीजन, देर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। उन्होंने हार्ट और माइंड को एक साथ जोड़ करके पोइट्री को किया। इट वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, पोइट्री के फील्ड में एक नया एक्सपेरिमेंट था, इसीलिए इनको बड़े पोएट में शुमार किया जाता है। टीएस एलियट इनके बहुत बड़े फैन थे, टीएस एलियट ने इतनी तारीफ इनकी की है, आई कांट टेल यू। आप लोगों को आवाज मेरी जा रही है, कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? या ठीक है, ठीक, ओके। सो व्हाट आई वांट टू से कि इस पोएट रहे हैं, इस पोएट ने जो है क्या किया हुआ था, इस पोएट ने जो है बहुत ही बड़ा काम किया, एक नया एक्सपेरिमेंट लाया। ही ब्रॉट अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ पोएट्री, एंड व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? कि विद इमोशन यू फाइंड रीजन, विद हार्ट यू फाइंड द यूज ऑफ माइंड। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस पोइट्री को आखिर मेटाफिजिकल क्यों कहा गया? मेटा माने बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिक, जो 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 दुनिया का स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने नजर आता है यही फिजिकल है, हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा अपना पेड़ पौधे, या जो दुनिया में हम रहे, जो उसका भौतिक स्वरूप है, जो हमारी आंखों से देखा दिखाई पड़ा, यही उसका क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इस भौतिक स्वरूप जो दुनिया हमारी है, द पार्टिकुलर वर्ल्ड विच वी आर सीइंग विद आवर ओपन आई, यू विल कम टू नो, इसके बियॉन्ड उन्होंने बात किया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मेटा फिजिकल। मेटा माने बियॉन्ड, फिजिकल माने जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। इसके बियॉन्ड किसने बात किया? जॉन डन ने बात किया। और उन्होंने क्या बात किया? उन्होंने यह बात की कि उन्होंने ये बताया कि व्हाई आर यू थिंकिंग, या व्हाई आर यू ओनली गिविंग द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड। वो इसके उसके ऊपर गए और उन्होंने किसका एग्जांपल दिया? अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया। उन्होंने किसका एग्जांपल दिया? स्टॉर्म का एग्जांपल दिया। उन्होंने किसका एग्जांपल दिया? तमाम तरह के जो है, जो यूनिवर्स में जो तमाम प्लैनेट्स हैं, जो उनका मूवमेंट है, उसका एग्जांपल लेकर उन्होंने बातों को दिया। तो जो आपकी आपकी आंखों से नहीं दिखाई पड़ा, इवन यू कांट सी अर्थक्वेक, इवन यू कांट सी मींस स्टॉर्म का तो आता था, लेकिन स्टॉर्म के साथ साथ जो एक मतलब पहले टेम्पेस्ट वर्ड यूज किया जाता था, जो एक स्टॉर्म वर्ड है वह जो है उसका एग्जांपल, या इस तरह से लाइफ आफ्टर डेथ का उन्होंने एग्जांपल दिया, हीवन के बारे में भी बात की, हेल के बारे में भी बात की। तो इस तरह की चीजें पोइट्री में कम नजर आती।